ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरव्यू राउंड ऑफ आवर प्लेयर टीबीआई येलो प्लेयर एंड वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर वॉर सीरीज 2022 एंड मेरे साथ मौजूद है ज़बीर, पूरा नाम बोलिए, ज़बीरुल हक, ज़बीरुल हक साहब, और ये रिप्रेजेंट कर रहे टीबीआई येलो को। एक खास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा इनके बारे में कि ये 10 साल के सेबेटिकल के बाद वापस से कमबैक कर रहे हैं, तो एक्साइटेड तो आप होंगे बहुत। डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूं। नर्वसनेस? आपको क्या लगा यार, मेरे साथ ज्यादा तो नहीं कर रहे कि मैं 10 साल बाद वापस आया हूं? नहीं, एग्जैक्ट एक्चुअली मैं इंसिस्ट किया तौसीफ भाई को कि आई वांट टू प्ले विद द येलो टीम, क्योंकि मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट येलो टीम। मुझे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है उन लोगों को स्ट्रांग करने के लिए। दैट्स व्हाई तो मैं आई थिंक मैं चाह रहा था कि मैं येलो में खेलूं। तो यंग प्लेयर्स आप तो ज्यादा समझते होंगे कि उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया या आपके ओपिनियंस को आपके सीनियर लोगों ने बट वेन इट कम्स टू ब्लू टीम वो लोग आई थिंक एक गेम खेलने के बाद थोड़ा सा डिजी फील करेंगे, ठीक है, कम्पेयर्ड। इसलिए ये हमारा एडवांटेज है, ठीक है, यंगस्टर ज्यादा है, उन लोग पे एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट विल यू नो वो दिखेगा ग्राउंड में। और तो अभी तक आप तो पहले भी टीबीआई के साथ खेल चुके हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये आने वाली सीरीज तो मुझे पूरे यकीन है कि एक्साइटिंग होगी, ये बेस्ट मोमेंट से भरी होगी। अभी तक का कोई बेस्ट मोमेंट रहा है आपके लिए? अभी तक हाँ, रिसेंटली आई वाज पार्ट ऑफ फाइटर फेस जो हुआ जी, तो वो तो एक बेस्ट मोमेंट था उसमें। और जब आप अभी पहले तो मैं ये सबसे यही पूछा था कि आप ग्राउंड में जब एंटर करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, इतने सालों के बाद जब आप वॉर सीरीज जैसे टूर्नामेंट में ग्राउंड में एंटर करेंगे तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? ये चलेगा कि जाना है ग्राउंड में, एंजॉय करना है, एंजॉय ओनली फॉर एंजॉयमेंट। और अगर एंजॉय करते करते आप जीरो पे आउट हो गए तो नहीं, वो तो नहीं होगा, परफॉर्मेंस फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ये इसकी गारंटी दे, गारंटी है। तो यही मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये कि टीबीआई को आपके कमबैक के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? टीबीआई व्हाट्स टीबीआई एक्सपेक्टिंग मैं से क्या, राइट? ऑब्वियसली वो लोग चाह रहे हैं कि मुझे मौका इसलिए दिया गया कि उन लोग कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली मैं परफॉर्म करूंगा, वो बोलते हैं ना एक एडवांटेज आई क्रिएट करूंगा मैं जी, तो इसी के लिए तो मुझे करना है, तो इस बार के लिए कॉन्फिडेंट है। तो चलिए ये रही मेन राउंड और आप बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ, तो इसमें प्लीज आपको जल्द से जल्द एकदम जोरदार कड़क कड़क आंसर देना, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे ये कि बैटिंग या बॉलिंग पहला प्रेफरेंस? बॉलिंग। बॉलिंग। टीबीआई के लिए आपका पहला साल कौन सा डेब्यू किया था? विराट कोहली सॉर्ट ऑफ, वो पहले भी था लेकिन वो शायद अफरीदी था। और अभी आप ये बताइए कि क्रिकेट के अलावा को और कोई स्पोर्ट्स है जो पसंद है? क्रिकेट दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। और फेवरेट कोई मूवी वगैरह देखते हो? हां, मूवी कौन सा बहुत है फेवरेट? बोल सकते हो बॉलीवुड मूवी मसालेदार ऐसा के टाइम। तो अभी फेवरेट कौन सा करंट है जो कोई बार बार? अभी रणवीर सिंह। हां तो अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या रहेगी? मतलब इतने टाइम से तो आप क्रिकेट से दूर, तो क्या किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं? दूसरा जॉब में थोड़ा सा फोकस हो गया, जॉब में फैमिली में ज्यादा टाइम दे रहा, अब लग रहा है कि नहीं अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। तो हॉबी है अभी कुछ? हॉबी वही है, मतलब गाना सुनना, वॉचिंग मूवीज, वेब सीरीज। तो अच्छा ये बताइए कि इतने बड़े जो आपके मास्ट क्रिकेटिंग करियर में एक बता दीजिए कि बेस्ट मोमेंट है कि ये मेरी लाइफ का एकदम बेस्ट मोमेंट है अभी तक का। एक्चुअली लोकल टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, गली क्रिकेट का टूर्नामेंट जो होता है, तो उसमें मैं आई वाज लाइक पर्पल कैप में जो मिला था बॉल। तो आप भी ऑलराउंडर ही? हां सॉर्ट ऑफ बैटिंग, मोर ऑफ बॉलिंग, लेस ऑफ बैटिंग, लेस ऑफ। तो अच्छा ये बताइए कि अब ये तो हो गया कि पर्पल कैप आपको मिला था, कभी ऐसा कुछ हुआ कि वो पर्पल कैप हाथ से चला गया, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? एम्बैरेसिंग
लास्टिंग मोमेंट हाँ हुआ लाइक एक्सपेक्टेशन था कि एक मैं बॉलिंग करके जिता हूँ अनफॉर्चुनेटली तो एक बैट्समैन ने मार दिया हार गया अच्छा। तो दैट वाज अ मोमेंट तो बैड मोमेंट और अच्छा जब ये तो हो गया थोड़ा इजीली बोलिए कि ठंड है ठंडी या गर्मी ठंडी और हिल स्टेशन या बीच हिल स्टेशन टीवीआई नॉर्मल मैचेस या टीवीआई वॉर सीरीज Like this would be my first war series, so obviously the idea nahi, I cannot commit, but let's see, I'll decide once I'm done with this. अभी भी कच्चा कदम मैनहट्टन ऊपर ही है। Thank you so much. एक आखिरी सवाल बस आपसे यही है कि ये war series में as a player नहीं, as a person आप क्या contribution देना चाहते हैं? As a person जो team का जो होता है ना कंट्रीब्यूट करना कंट्रीब्यूट करेंगे टेम्पो हाई होना चाहिए कि पॉजिटिवली खेलेंगे ऑनेस्टली खेलेंगे और जीतेंगे थैंक यू सो मच मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से परफॉर्म करें और ये जो वॉर सीरीज होगी शायद इसमें पर्पल कैप नहीं तो ऑरेंज कैप कुछ ना कुछ कैप तो आप लेके ही